हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने गणित तक पढ़ लिया था। अब इससे आगे है, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के तव का भी प्रयोग करते हैं। ये बछिया के तव मुहावरा है, इसका अर्थ होता है महामूर्ख होना। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। जिद्दी स्वभाव का होना अड़ियल शब्द का अर्थ है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। रीतियों का शब्द है, कई तरीकों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी, इन बैलों जो मालिक है किसान है, उसका नाम है झूरी काछी। दो बैल थे इसके पास में, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई शब्द का अर्थ होता है पालतू जाति के थे। अर्थात जो बैल हम घर में पालते हैं, देखने में सुंदर, काम में चौकस, काम में हमेशा तत्पर रहना, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आपस में, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में बिना बोले विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय शब्द का अर्थ है अपने विचारों को आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे हम पहचान नहीं सकते हैं, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मनुष्य भी उनकी बात को नहीं पहचान पाता है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं। विग्रह शब्द का अर्थ अलग होने के भाव से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विनोद शब्द का अर्थ है प्रसन्नता के भाव से, आत्मीयता के भाव से, प्रेम के भाव से। जैसे दोस्त में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। ढोल धप्पा का अर्थ है आपस में उछल कूद करना। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी अर्थात कुछ उदासी सी लगती थी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे रहे। जिस प्रकार से दोनों बैल जब हल में या गाड़ी में जब जोते जाते थे, तब दोनों की चेष्टा जिज्ञासा यही रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वजन मेरी गर्दन पे आए, हीरा की गर्दन पे नहीं चाहिए। मोती चाहता कि मेरी पे आए और हीरा चाहता मेरी गर्दन पे आए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद, नान शब्द का अर्थ होता है कि पशुओं को हम चारा डालते हैं, उसको मारवाड़ी में बोलते हैं घास। खली भूसा अर्थात चारा, खली खल वगैरह पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई शब्द का अर्थ होता है बैलों की जोड़ी। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे। मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। झूरी कैसा लग रहा था, गोई अरब दोनों बैलों को लेके जा रहा था तो दांतों पसीना ना, बहुत परेशान किया गया उनको।
पीछे से हांकता तो दोनों दाई बाई भागती पगहिया पकड़कर। पगहिया शब्द का अर्थ है बैलों को बांधने की जो रस्सी आती है उसे कहते पगहिया। आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाती, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, कोई कमी नहीं रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल तो हम तो तुम्हारे हमें तुम्हारी सेवा में मर जाना ही कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ने डाला। दिल भारी हो रहा था, मन उदास हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, उन्हें बेगाने से लगते थे। बेगाने शब्द का अर्थ होता है अजीब से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, आपस में विचार विनिमय किया, एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों शब्द का अर्थ होता है तिरछी नज़र से देखना, और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, अर्थात जब रात के समय पूरा गांव सो गया था, तब तो दोनों ने जोर मारकर पगहिए तुड़ा डाली, अर्थात वो रस्सी तुड़ा डाली और घर की तरफ चले। पगही बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, अर्थात दोनों बैल झूरी के मैन दरवाजे के सामने खड़े हुए। चरनी शब्द का अर्थ था कि मैन दरवाजा। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा है। ग्राव शब्द का अर्थ था रस्सी, अर्थात जो रस्सी टूट गई थी खूंटे के से, वो रस्सी उनके गले में लटकी हुई थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंख में विद्रोह में क्रोध का भाव, क्रांति का भाव, स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, प्रेमालिंगन उस गले मिला और चुंबन का वदृश्य बड़ा ही मनोहर था। अर्थात उनको झूरी दोनों बैलों को गले लगा लिया, उनको चूमने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगी। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, अर्थात इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। बाल सभा ने निश्चय किया, सभी बालकों ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, प्रशस्ति पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतने दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है ये, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ, प्रतिवाद विरोध करने का साहस किसी का भी नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक आराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ने किया भाग खड़ी हुई। झूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप न सुन सका, आक्षेप का क्या जवाब, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी,
भाग इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, वहां मूर्खों की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी, अर्थात खूब काम लेते हैं उनसे। ये दोनों ठहरे काम चोर, भाग निकली। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। खली एक शब्द का काकड़े की खल होती है, सरसों की होती है, चोकर का वो चोकर शब्द का भी खली होता है। सूखे भूसे के सिवा, सूखे चारे के अलावा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, मजदूर को पाबंदी, ताकीद शब्द का अर्थ पाबंद कर देना कि तुम्हारे को इन्हों कुछ भी नहीं डालना, कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, खाली चारा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, अर्थात कोई स्वाद नहीं आया, न कोई चिकनाहट, न कोई रस, क्या खाएं। आसबरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी, दोनों द्वार की ओर देखने लगी, कुछ लेकर के आएंगे, लेकिन कोई नहीं लेकर के आता है। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे, मालकिन मुझे मारे डालेगी। नौकर ने कहा, चुरा कर डाला। नहीं दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे,